गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर लोनी लोकवानी, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट कॉलेज कोटा. टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज एल्कोहल्स, बीएससी पार्ट सेकेंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ वी स्टार्ट एल्कोहल्स. एल्कोहल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है कार्बन से बॉन्डेड रहता है, और कार्बन जो है कार्बन की दूसरी वैलेंसीज जो है या तो हाइड्रोजन से या एल्किल ग्रुप से सेटिस्फाई होती हैं. तो इन्हें ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर CnH2n+1OH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये एल्कोहल्स है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. तो OH ग्रुप की प्रेजेंट से हम इनको देख सकते हैं कि किस तरह से होता है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है. एग्जांपल्स, मैथिल एल्कोहल एंड एथिल एल्कोहल, CH3OH एंड CH3CH2OH. सेकेंड, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, जिसमें कि दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो. एग्जाम्पल, CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल. थर्ड, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें कि तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ग्लिसरॉल. नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें कि तीन से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, CH2OH, CHOH4, CH2OH, सॉर्बिटॉल. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के आधार पे इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है हर अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है. यदि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हो जाएंगे तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम. अपने कार्बन एटम के नेचर से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. तो फर्स्ट इज एग्जाम्पल मैथिल अल्कोहल एंड एथिल अल्कोहल. ये दोनों एग्जाम्पल हैं प्राइमरी एल्कोहल्स के. CH3CH OH CH3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी एल्कोहल का. CH3CH3OH ये एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल का. तो इस तरह से प्राइमरी एल्कोहलिक में फंक्शनल ग्रुप है CH2OH, सेकेंडरी एल्कोहल में CHOH और टर्शरी एल्कोहल में होता है COH. तो इस तरह से नेचर ऑफ कार्बन एटम से भी हम एल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट नोमेनक्लेचर. अब नोमेनक्लेचर नामकरण, उसके लिए भी मेन तीन पद्धतियां हैं, तीन सिस्टम्स हैं. तो पहला है ट्राइबल सिस्टम, त्रिविम पद्धति इसको हिंदी में बोलते हैं, ट्राइबल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. इसमें हम एल्किल एल्कोहल्स बोलते हैं इसको. जैसे कोई भी एल्किल ग्रुप है उसमें जो है सफिक्स एल्कोहल्स जोड़ दें तो वो हो जाता है जैसे एल्किल एल्कोहल. जैसे CH3OH तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल, C2H5OH तो नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, CH3CH2CH2OH होगा तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, CH3CHOHCH3 हो जाएगा तो क्योंकि ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल. तो ये है ट्राइबल सिस्टम. इसके बाद सेकंड है डिराइव सिस्टम, इसको हम कार्बिनोल सिस्टम भी बोलते हैं नोमेनक्लेचर का, क्योंकि CH3OH जो है वो कार्बिनोल बोला जाता है उसको. तो जैसे सेकंड है CH3CH2OH तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CH3 आ गया तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बिनोल. नेक्स्ट CH3CH OH CH2CH3 तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल कार्बिनोल. अब इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देखेंगे तो ई पहले आएगा एम से, तो एथिल पहले आएगा एथिल मेथिल कार्बिनोल. तो ये डिराइव सिस्टम है. नेक्स्ट है IUPAC सिस्टम, जनरल यही प्रचलन में ज़्यादा है IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अब इसमें क्या होता है, इसमें एल्केन में
ई हटा के ओएल जोड़ते हैं, तो इनको हम जैसे जानते हैं एल्केनोल्स के नाम से। अब इसके भी कुछ रूल्स है आईयूपीएसी में। सबसे पहला रूल है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको चूज करते हैं जिसमें कि ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, उसको चूज किया जाता है लॉन्गेस्ट चेन को। और ओएच हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा जाता है उसको हम मिनिमम नंबर देते हैं, जैसे नंबर 1। अब दूसरा जो है, जो भी पोजीशन जिस पोजीशन पे ओएच है उसके पहले हम वो लगा के पोजीशन उसकी ओएल लिखते हैं, ओएल। और अगर कोई सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है उसमें चेन में, तो उसको भी हम जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से लिखते हैं, और उनका नाम जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिया जाता है। जैसे कि पहले भी बताया, ई और एम एथिल मेथिल है, तो ई पहले आएगा तो एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा। इसको हम और अच्छी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये टेबल बनी हुई है, इसमें हम लेते हैं पहले मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है, मॉलिकुलर फॉर्मूला है, उसके बाद ट्राइबल नेम लिया है, डिराइव नेम लिया है, देन आईयूपीएसी नेम। तो फर्स्ट इज CH3OH, मैथिल ग्रुप है तो मैथिल एल्कोहल, और CH3OH है तो डिराइव नेम इसका कार्बिनॉल होता है आईयूपीएसी में, मिथेनॉल। सेकेंड इज C2H5OH, तो इसका नाम है एथिल एल्कोहल, मैथिल कार्बिनॉल। मैथिल कार्बिनॉल जैसे CH3OH कार्बिनॉल है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CH3 आ गया तो मैथिल कार्बिनॉल, आईयूपीएसी में इसका नाम है एथेनॉल। थर्ड इज C3H7OH। अब CH3CH2CH2 ये प्रोपिल ग्रुप है तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, एथिल कार्बिनॉल, आईयूपीएसी में इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल, क्योंकि वन नंबर पे ओएच ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 इसको कंसिडर करेंगे तो प्रोपेन वन ऑल। अब नेक्स्ट इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CHOH CH3। अब यहाँ पे प्रोपेन चेन में 2 नंबर पे ओएच ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइबल नेम में इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, डिराइव नेम से हो जाएगा डायमेथिल कार्बिनॉल, और आईयूपीएसी से इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि 2 पोजीशन पर ओएच है तो इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है C4H9OH, इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2CH2CH2OH, ब्यूटिल ग्रुप है तो नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, डिराइव सिस्टम में देखेंगे नॉर्मल प्रोपिल कार्बिनॉल, और आईयूपीएसी में नाम हो जाएगा ब्यूटेन वन ऑल, क्योंकि 1 पोजीशन पे ओएच है। इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं CH3CH CH3CH2OH, तो ये है आइसोब्यूटिल ग्रुप है इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, 1 डिग्री बोलेंगे इसको क्योंकि प्राइमरी है, प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री भी बोलते हैं, और सेकेंडरी। इसके बाद आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल डिराइव सिस्टम में, और आईयूपीएसी में इसका नाम हो जाएगा 2-methyl propane 1-ol, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे ओएच है और 2 पे मेथिल ग्रुप है इसलिए 2-methyl propane 1-ol। थर्ड CH3CH2CHOH CH3। अब इसमें सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप है इसलिए सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, डिराइव सिस्टम में एथिल मेथिल कार्बिनॉल, और आईयूपीएसी में इसका नाम हो जाएगा कार्बन नंबर 2 पे ओएच ग्रुप है इसलिए ब्यूटेन 2-ol। नेक्स्ट CH3C CH3CH3OH, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसका डिराइव पद्धति में नाम है ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, आईयूपीएसी नाम में हो जाएगा 2-methyl propane 2-ol, 2 क्योंकि कार्बन नंबर 1, 2, 3 ये वाली चेन कंसिडर करेंगे प्रोपेन की, तो 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप भी है ओएच ग्रुप भी है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2-methyl 2-propanol, या इसको प्रोपेन 2-ol भी लिख सकते हैं, 2-propanol भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज C5H11OH। अब इसका CH3CH2CH2CH2OH, नॉर्मल एमिल एल्कोहल नाम होगा ट्रैवल सिस्टम में, डिराइव सिस्टम में नॉर्मल ब्यूटिल कार्बिनॉल, और पेंटेन का डेरिवेटिव है तो पेंटेनॉल आईयूपीएसी में, इसको हम लिख सकते हैं CH3CH CH3CH2CH2OH। तो
आइसोएमिल एल्कोहल लिख सकते हैं, आइसोब्यूटिल कार्बिनॉल नाम होगा, और आईयूपीएसी में इसका नाम होगा 3-methyl-butanol, क्योंकि 1 नंबर पे OH ग्रुप है और 3 नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप है, इसलिए 3-methyl-butanol। इसके बाद नेक्स्ट है CH3CH2CH CH3CH2OH, एक्टिव एमिल एल्कोहल ही है, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बिनॉल डिराइव पद्धति में, आईयूपीएसी में इसका नाम होगा 2-methyl-butanol, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे मेथिल ग्रुप है तो 2-methyl-butanol। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं CH3CH3C CH3CH2OH। अब CH3CH3CH3C ये नियो ग्रुप है तो इसको नियो पेंटिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। ट्राइबल सिस्टम में, डिराइव सिस्टम में टर्शरी ब्यूटिल कार्बिनॉल, एंड आईयूपीएसी में इसका नाम होगा 2,2-dimethylpropanol। अब इसमें क्या है, 1 नंबर पे तो OH ग्रुप है, 2 नंबर कार्बन पे 2-methyl ग्रुप है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2,2-dimethylpropanol। नेक्स्ट CH3CH2CH2CH CH3OH। अब ये इसके इसका जो नाम है मेथिल प्रोपेन कार्बिनॉल है, सेकेंडरी है इसलिए 2 डिग्री लिखा है इसमें, और आईयूपीएसी में इसका नाम होगा पेंटेन 2-ol, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है इसलिए पेंटेन 2-ol। नेक्स्ट CH3CH2CH OH CH2CH3, ये भी 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल है, डाई एथिल कार्बिनॉल डिराइव पद्धति में, और आईयूपीएसी में इसका नाम होगा पेंटेन 3-ol, क्योंकि 3 नंबर कार्बन पे जो है OH ग्रुप है इसलिए इसका नाम होगा पेंटेन 3-ol। इसको 3-pentanol भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में 3-pentanol भी है होता है और पेंटेन 3-ol दोनों ठीक है, तो पेंटेन 3-ol आईयूपीएसी में। नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं CH3C CH3C CH3OH CH2CH3, ये है टर्शरी एमिल एल्कोहल, टर्शरी ग्रुप है तो टर्शरी कार्बन है इसलिए 3 डिग्री इसको हम बोल सकते हैं, और डिराइव पद्धति में इसका नाम होगा एथिल डायमेथिल कार्बिनॉल। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकली देखिए एथिल डायमेथिल कार्बिनॉल आ गया, और इसके बाद आईयूपीएसी नाम उसका होगा 2-methyl-butan-2-ol, क्योंकि 1 नंबर कार्बन ये माना जाएगा, 2 नंबर पे OH ग्रुप भी है, 2 पे मेथिल भी ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हमने लिखा है 2-methyl-2-butan, ब्यूटेन डेरिवेटिव है 4 कार्बन से, तो 2-methyl-2-butan-butanol बोल सकते हैं, या फिर 2-methyl-butan-2-ol भी बोल सकते हैं। लास्ट एग्जांपल CH3CH CH3CH OH CH3, ये भी टर्शरी अल्कोहल है इसलिए 3 डिग्री, डिराइव पद्धति में इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल मेथिल कार्बिनॉल, और आईयूपीएसी इसमें नाम होगा 3-methyl-butan-2-ol। अब यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पर है, इसे यहाँ इसको 1 नंबर कंसिडर करेंगे, 1, 2, 2 पे OH ग्रुप है, 3 नंबर पे मेथिल है, और लॉन्गर चेन 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन डेरिवेटिव है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3-methyl-butan-2-ol। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, जितने आप एग्जाम्पल्स इसमें सॉल्व करेंगे उससे आपको नोमेनक्लेचर और क्लियर होता जाएगा। ओके, थैंक यू।